प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। भगवान हनुमान करेंगे बेड़ा पार। मंगलवार के व्रत से जीवन होगा मंगलमय। हनुमान कृपा का मिलेगा वरदान। मंगलवार को कीजिए महाबली की तपस्या। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की पूजा के लिए समर्पित है। मंगलवार के नाम में ही छिपा है इस दिन का महत्व, यानी ऐसा दिन जब मंगल ही मंगल होता है। इस दिन व्रत रखने से संकट मोचन हनुमान की कृपा तो मिलती ही है, मंगल ग्रह भी शांत हो जाता है। हनुमान जी जब अजर अमर हैं, सदैव हैं, सदैव दर्शन पूजन का लाभ है, लेकिन मंगलवार को विशेष लाभ है। अगर व्यक्ति मंगलवार को हनुमान जी महाराज का दर्शन करता है, मंगलवार को तेल चढ़ाता है, मंगलवार को सिंदूर चढ़ाता है, मंगलवार को चना किसी को खिलाता है, मंगलवार को गुड़ दान करता है, मंगलवार को स्वर्ण दान करता है, मंगलवार अगर व्रत रहता है, मंगलवार को किसी भी मंदिर में जहाँ प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी की मूर्ति हो वहाँ दर्शन पूजन करने से 100% लाभ होता ही है। अजर अमर बजरंग बली की पूजा और उपासना करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं, और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यदि मंगलवार का व्रत रखा जाए तो यकीनन ये परम फलदायी होगा। जीवन में धन का अभाव या फिर कर्ज से परेशान हो तो मंगलवार का व्रत विशेष लाभकारी होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि मंगलवार के दिन व्रत रखने का महत्व क्या है। मंगलवार का व्रत मंगल ग्रह की समस्याओं को दूर करने के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से मंगल की तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, गलत कार्यों से बचाव होता है। इस व्रत को करने से अमंगल टल जाता है और मंगल ही मंगल होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी शख्स की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो ऐसे में उसे मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। इससे मंगल की कृपा मिलती है और कई तरह की बीमारियों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। तुलसीदास जी ने लगातार हनुमान चालीसा में तमाम प्रकार के वर्णन किया है। अष्ट सिद्ध नौनित के दाता, अष्ट सिद्ध नौनित के दाता कोई देवता नहीं है। हनुमान जी अष्ट सिद्ध नौनिध के देवता है। जिसने भी हनुमान जी महाराज का मनन किया, चिंतन किया, गुणगान किया, उनका वेरा पार, और जिसने भी हनुमान जी के सामने में बैठकर राम नाम का गुणगान किया, राम नाम का संकीर्तन किया, भगवान राम की महिमा का गुणगान हनुमान जी के चरण शरण में किया, उसका तो 100% काम निश्चित होना संभव है। ये व्रत जीवन के संकटों को दूर करता है, साहस, सम्मान, बल और जीवन को ऊर्जावान बना देता है। तो मंगलवार का व्रत आपके लिए वरदान से कम नहीं है। आइए जानते हैं मंगलवार का व्रत रखने से लाभ क्या होता है। जिनकी कुंडली में मंगल अशुभ फल दे रहा हो, अगर उग्र, चिड़चिड़ा या हिंसात्मक स्वभाव हो, अगर मंगल दोष के कारण वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हो, अगर पेट या रक्त की समस्या हो रही हो, घर में लंबे समय से कोई मंगल कार्य ना हो पा रहा हो, अगर कोई जातक मंगल दोष से पीड़ित है तो मंगलवार का व्रत उसके लिए फलदायी साबित हो सकता है। व्रत करने से मांगलिक दोषों से छुटकारा भी मिल जाएगा। कैसे, आइए बताते हैं। मंगलवार के दिन लाल आसन पर बैठकर मंगल देवता की पूजा करें। लाल पुष्प चढ़ाकर पूजा स्थल पर एक चौमुखी दीपक जलाएं। लाल रंग के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। ओम क्रौम यम रंग लौ वंग भौमाय नमः मंत्र का 7 माला जाप करें। गुगल की धूप जलाकर मूंगे की माला से मंत्र का जाप करें।
फलों का प्रसाद अर्पित कर गुड़ और मेवे का प्रसाद बांटें। हनुमान जी महाराज सदैव राम रसिया, राम के भजन में लीन रहते हैं, तो जो भी व्यक्ति ना कुछ आए तो राम नाम मंत्र का जाप कर ले, इससे भी थोड़ा सा और कुछ हो जाए, हनुमते नमः का 108 माला का जाप कर ले, इससे भी ज्यादा हो जाए तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, तो व्यक्ति का पूरा मंगलवार व्रत का पूरा लाभ 100% उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा। मंगलवार का व्रत सभी व्रतों में खास माना जाता है। संकट मोचन हनुमान जीवन की सभी बाधाओं को दूर करते हैं, तो आप भी मंगलवार का व्रत करें और हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगर आपके जीवन में भी अंधकार है तो मंगलवार का व्रत आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।